गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन में मैदान कौन मारेगा? नाजरीन, हाल ही में अमेरिका के इंतखाबात इख्तिताम पजीर हुए हैं। साबिक सदर ट्रंप को शिकस्त और जो बाइडेन ने अमेरिकी सदारत का मैदान सर कर लिया है। इसी तरह पाकिस्तान के गैर आइनी इलाके गिलगित बल्तिस्तान में भी इलेक्शन का मौसम शुरू हो चुका है। कहीं जलसे हैं तो कहीं जलूस। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के को चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और नून लीग की सरबरा मरियम नवाज भी स्कर्दू पहुँच कर अपनी सियासी पावर शो का मुजाहरा कर चुकी हैं। दूसरी जानिब गिलगित बल्तिस्तान में अवामी ताकत रखने वाली मजहबी सियासी जमात मजलिस वहदत मुस्लिमीन के सरबरा अल्लामा राजा नासिर अब्बास जाफरी भी गिलगित बल्तिस्तान पहुँच गए हैं, जहां वो इज्तमात में शिरकत करेंगे और इलेक्शन कैंपेन चलाएंगे। इसी तरह पाकिस्तान के वफाक में हुकूमत करने वाली तहरीक इंसाफ है, जो गुज़िश्ता जनरल इलेक्शन की तरह गिलगित बल्तिस्तान में भी पहली मर्तबा बाकायदा इलेक्शन कैंपेन का हिस्सा है और हुकूमत साजी के लिए पुरअज़म है। तहरीक इंसाफ को इलाकाई ताकत रखने वाली जमात मजलिस वहदत मुस्लिमीन की हिमायत हासिल है, जिसकी बुनियाद पर तहरीक इंसाफ हुकूमत साजी में अहम किरदार अदा कर सकती है। इसी तरह गिलगित बल्तिस्तान में दूसरी बड़ी अवामी ताकत रखने वाली जमात इस्लामी तहरीक है। देखना यह है कि इस्लामी तहरीक किस मुल्क की सियासी जमात की हिमायत करती है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने गिलगित बल्तिस्तान को आइनी सूबा बनाने का ऐलान किया है और इस ऐलान को अमली जामा पहनाने में अगर इमरान खान कामयाब हो गए तो मुस्तकबिल में यहाँ की आवाम तहरीक इंसाफ की एहसान मंद रहेगी, क्योंकि ये इलाके की आवाम का दीराना मसला है। इस सूरत हाल में देखना यह है कि गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन 2020 में सियासत का मैदान कौन मारता है। क्या साबका रिवायत कायम रहेगी कि वफाक में रहने वाली हुकूमत ही गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत बनाएगी, या इस दफ़ा रिवायत टूटेगी जिस तरह अमेरिका के इलेक्शन में हुआ है।